गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टोरी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन, यानी हमें एडिशन करना है। बट अब हम क्या करेंगे, जो ये एडिशन है ये स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम होगी, यानी स्टोरी से रिलेटेड स्टोरी थी होगी इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए फर्स्ट क्या है, रवि हैज वन चॉकलेट, रवि के पास एक चॉकलेट है। His father gave him two more. उसके जो पिताजी थे उन्होंने दो और दी। How many chocolates now Ravi has? कि अब रवि के पास कितनी चॉकलेट्स हैं? देखिए, फर्स्ट रवि के पास वन चॉकलेट थी। उसके जो पिताजी थे उन्होंने रवि को दो टू और दे दी। अब हमें टोटल बताना है कि रवि के पास अब कितनी चॉकलेट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखिए Ravi has chocolate is equal to मतलब Ravi has chocolate, कितनी चॉकलेट है रवि के पास? वन। ओके, कितनी चॉकलेट है बच्चों? वन। तो हमें राइट डाउन करना है Ravi has chocolate वन। अब उसके नीचे वाली लाइन में लिखिए his father gave him, कितनी चॉकलेट दी थी उसके पापा ने? टू। तो हमें क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है, देखो How many chocolates मतलब how many chocolates now Ravi has, कि रवि के पास अब कितनी चॉकलेट्स है? क्यों? क्योंकि पहले रवि के पास वन चॉकलेट थी, फिर उसके पापा ने दो दे दी, मतलब टू और दे दी। तो फिर अब हमें बताना है टोटल चॉकलेट्स। ओके, तो देखो पहले तो वन चॉकलेट थी तो वन कर दिया, हमें बताना है टोटल कितनी है, देखो हम इसमें ऐड करेंगे। ओके, तो देखो वन प्लस टू क्या है, वन प्लस टू, वन लाइन ड्रॉ करो और टू लाइन ड्रॉ करो, काउंट करो वन टू थ्री। सो हमारा आंसर होगा थ्री, मतलब अब नाउ रवि हैज थ्री चॉकलेट्स। कितनी चॉकलेट्स है रवि के पास अब? थ्री। सो देखो टोटल चॉकलेट्स क्या हुई? यहाँ पर आप टोटल चॉकलेट की जगह लिख सकते हो नाउ रवि हैज थ्री चॉकलेट्स। ओके, देखो हमने क्या करा, एट फर्स्ट हमने लिखा रवि हैज चॉकलेट, कितनी चॉकलेट थी इसके पास? वन। हिज फादर गिव हिम, कितनी चॉकलेट दी थी? टू। और अब हमें टोटल चॉकलेट्स बतानी थी, टोटल चॉकलेट्स वन प्लस टू इज इक्वल टू
विशेष के पास 50 रुपए का नोट था। He bought toys worth rupees 30। उसने 30 रुपीस के टॉय खरीद लिए। How much money is left with विशेष? कि अब विशेष के पास कितने पैसे बचे हैं? ओके, तो लिखो। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? विशेष had note। यहाँ पे लिखो विशेष had note। कितने नोट था उसके पास? 50 रुपीस का। ओके, यहाँ पे आप 50 लिख दीजिए, यहाँ पे 50 लिख दीजिए और जो हमारा आंसर आएगा वहां पे हम रुपीस लिख देंगे। ओके, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद विशेष। पहले हमने क्या करा? हमने लिखा विशेष हैड अ नोट। विशेष हैड नोट इज इक्वल टू 50 रुपीस। ही बॉट टॉयज वॉट रुपीज 30। देखो ही बॉट टॉयज इज इक्वल टू 30 रुपीज। विशेष लेफ्ट विथ मनी, देखो यहाँ लिखो विशेष लेफ्ट विथ मनी। ओके, तो देखो विशेष लेफ्ट विथ मनी 50 में से आपको 30 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? देखो पहले तो 50 रुपीज थे उसके पास, टोटल रुपीज कितने थे? 50 में से उसने 30 रुपीज के टॉय खरीदे। तो आप जब 50 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ही तो आपको पता चलेगा ना कि विशेष के पास कितनी मनी लेफ्ट रह गई थी। देखिए टोटल कितने थे? 50 रुपीज। 50 में से 30 के टॉयज खरीदे, तो अब जब उसने टॉयज खरीदे थे 50 रुपीज में से, तो वो चीज सब्ट्रैक्ट ही होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब उसके पास कितने लेफ्ट रह गए हैं? जब हम 50 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, क्या करेंगे? 50 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो अब हम यहाँ पे एक और मेथड सिखाते हूँ। अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ ड्रॉ करके करोगे बेटा ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके अब हम इसे शॉर्ट मेथड में सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ लिखो 50, यहाँ पे क्या है 30। तो आप यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ 0 लिखोगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन बनाओगे। देखो 0 0 दोनों ही 0 है। तो जब आप 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। ओके, क्या मिलेगा? 0। अब 5 में से आपको 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 का इंच ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, कर दिया। आंसर क्या लेफ्ट रह गया है? काउंट करो 1 2, यहाँ हम लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20। देखो 50 और 30 है, तो हमने यहाँ लिखा 50 30।